हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सहारा योजना बनाई गई है, जिसके तहत 3,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन रोगियों को दी जाएगी जिन्हें कोई परमानेंट डिसेबिलिटी वगैरह है या फिर उन्हें कोई घातक बीमारी है। डिसेबिलिटी के लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे और आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सहारा पेंशन अप्लाई करने से पहले आपके पास। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एप्लीकेंट का, आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके पास UDID कार्ड होना चाहिए, UDID का सर्टिफिकेट होना चाहिए। UDID कार्ड और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो आप इस वीडियो को देख के जान सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लोकल मेडिकल जो ऑफिसर होते हैं CHC, उनसे इनकैपेसिटी सर्टिफिकेट लेना होगा मेडिकल का। नेक्स्ट आपके पास BPL सर्टिफिकेट या फिर आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपके पास बोनोफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए आपका, और इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और एप्लीकेंट की एक पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास एक लाइफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप अपने प्रधान से बना सकते हैं और वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और लाइफ सर्टिफिकेट में क्या लिखवाना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आप पेंशन वगैरह लेना चाहते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए सहारा पेंशन अप्लाई करने के लिए। अब हम देखेंगे कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस रहेगी वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर sahara.hpsby हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी सहारा ये सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी सहारा, आपके इसके ऊपर क्लिक कर देना है फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर। फिर आप अबाउट द योजना, आप सहारा योजना के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन लगेगी। बाकी सारी लिस्ट मैंने पीछे बताई थी जब डॉक्यूमेंट बता रहा था। बाकी अभी अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। इसके लिए आपको नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद नो योर स्टेटस का है, डाउनलोड सहारा कार्ड का है, पेमेंट स्टेटस चेक करने का है, और लाइफ सर्टिफिकेट BPL या इनकम सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नीचे मिल जाता है। तो अप्लाई करने के लिए हमें न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन, आपके सामने एंटर बेनिफिशियरी आधार नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, नीचे री एंटर बेनिफिशियरी आधार नंबर, आपको इस यहाँ पर भी सेम आधार कार्ड नंबर डाल देना है जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नीचे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर आपके सामने डू यू वांट टू कन्फर्म डाटा फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले डेमोग्राफिक डिटेल्स ऐड करनी है, उसके बाद बेनिफिशियरी डिटेल ऐड करनी है, अकाउंट डिटेल ऐड करनी है, और लास्ट में कंप्लीट का है। सबसे पहले डेमोग्राफिक डिटेल्स में आधार कार्ड नंबर आपका शो हो जाएगा, नीचे एरिया टाइप आपको शो हो जाएगा, रूरल या फिर अर्बन आप जहाँ भी रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, डेवलपमेंट ब्लॉक सेलेक्ट कर लें, पंचायत टाउन सेलेक्ट कर लें, और अपना गांव सेलेक्ट कर लें विलेज। नीचे हेल्थ ब्लॉक आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। अब ध्यान दें, जो भी आप अपना हेल्थ ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे अप्लाई करने के बाद जो भी प्रिंट वगैरह निकलेगा वो आपको अपने हेल्थ ब्लॉक में जाके जमा करवाना होगा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके बाद ही वो आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो आपका नज़दीकी हेल्थ ब्लॉक हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद विधानसभा आप यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लें। नीचे आपको अपना पिन कोड डालना है, उसके बाद फुल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको अपलोड आधार कार्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको 300 KB के अंदर यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद सभी डिटेल को एक बार ध्यान से चेक करें, नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों हम बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर शो हो जाएगा, उसके बाद नीचे आपको नेम ऑफ बेनिफिशियरी एप्लीकेंट का नाम भी यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद फादर्स हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर डालना है, जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ उस व्यक्ति की यहाँ पर डाल दें, एज यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, नीचे मोबाइल नंबर डाल दें, अल्टरनेट क्वेश्चन मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर डाल दें, ईमेल आईडी वगैरह है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, बाकी खाली भी छोड़ सकते हैं। जिन पे स्टार का निशान लगा है उनको भरना मैंडेटरी है, बाकी को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको डिसीज यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन शो हो जाते हैं। नंबर 1 है एनी अदर डिसीज विच रेंडर्स अ पर्सन परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, तो इसमें अगर कोई ऐसा रोग है जिसमें स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं तो वो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर का है, किडनी फेलियर का है ये। नेक्स्ट हीमोफीलिया का है। नेक्स्ट मेलिग्नेंट कैंसर डिसीज का है। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का है। नंबर 6 पैरालिसिस डिसीज हैविंग परमानेंट डिसेबिलिटी टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग बेसिस और बेड रिडन,
नंबर 7 पार्किंसंस है, पर नंबर 8 थैलेसीमिया का है। तो जो भी डिसीज़ वगैरह है वो आप इन ऑप्शन में से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें, और साथ साथ में मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं डिसीज़ में, एनी अदर डिसीज़ वाला, तो नीचे डिसीज़ नेम डालने का ऑप्शन शो हो जाएगा, आप खुद से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। फर्स्ट में अपलोड मेडिकल सर्टिफिकेट का है, यहाँ पर आप अपना UDID कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड मेडिकल सर्टिफिकेट बन, यहाँ पर आप अपना UDID सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जो UDID कार्ड के साथ एक सर्टिफिकेट बनता है वो वाला। अपलोड मेडिकल सर्टिफिकेट टू, यहाँ पर आप अपना इनकैपेसिटी सर्टिफिकेट, जो मेडिकल अथॉरिटी जो लोकल होंगी वो बना के लेंगे, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे कैटेगरी में आपको BPL और अदर शो हो जाता है। अगर आप BPL वगैरह में आते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको अपलोड सर्टिफिकेट कैटेगरी का यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। BPL वगैरह का नहीं आते हैं तो सिंपली इसे रहने दें, खाली अदर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपलोड बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। जिनके ऊपर स्टार का मार्क लगा है उनको भरना मैंडेटरी है, बाकी को आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट में राशन कार्ड की फ्रंट साइड की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, और अपलोड राशन कार्ड बैक साइड की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। दोस्तों जो आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स उनका साइज़ 300 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे डालनी है, जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है उसके ऊपर जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। नेक्स्ट में अपलोड इनकम सर्टिफिकेट, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट में बेनिफिशरी फ़ोटो का है, यहाँ पर आपको बेनिफिशरी की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देनी है, चेक करने के लिए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। इसके लिए आप डाउनलोड का जो ऑप्शन शो हो रहा है साथ में, इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको जो डिक्लेरेशन वगैरह शो हो रही है उसे आपको पढ़ लेना है, और इस पर टिक कर देना है कि आप गवर्नमेंट वगैरह के कोई एम्प्लॉय वगैरह नहीं है, और आपको कोई अदर पेंशन वगैरह या कोई फिक्स मेडिकल अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। उसके बाद आपको जो जो डिटेल्स भरी उन सभी को एक बार ध्यान से चेक करें, नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, ऊपर पॉपअप शो होगा, ओके पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम अकाउंट डिटेल्स ऐड करेंगे, जहाँ पर आप अपनी पेंशन वगैरह लेना चाहते हैं, बैंक की डिटेल्स, यहाँ पर पे रिलेशन, अगर सेल्फ है मतलब खुद अपने बैंक अकाउंट में वो पेंशन ले रहे हैं तो सेल्फ सेलेक्ट करें, उनके वाइफ ले रहे हैं, फादर ले रहे हैं, मदर ले रहे हैं, या उनके बेटे ले रहे हैं, तो जो भी है पे रिलेशन वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, आपको वही बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दोबारा से एंटर कर देना है। सही बैंक अकाउंट नंबर डालें, गलत ना हो, वरना बाद में चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद नीचे आपको पे नेम, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम डाल देना है जिसका बैंक अकाउंट है, यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है बैंक का। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपलोड बैंक पासबुक फ्रंट पेज, जिसमें आपके बैंक का नाम वगैरह दिया है, अकाउंट नंबर वगैरह लिखा है, उसके फ्रंट पेज की कॉपी की वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट में आपको अपलोड लाइफ सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ, आपने जो प्रधान वगैरह से लाइफ सर्टिफिकेट बनाया होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, और ये भी 300 KB के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। इसके बाद आपको सभी डिटेल को एक बार ध्यान से चेक कर लेना है, और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ पुरानी डिटेल्स ऐड करनी है जो आपने पीछे भरी थी, तो आप प्रीवियस पर क्लिक करके उनको भी चेंज कर सकते हैं। सभी डिटेल को चेक करें, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, ऊपर पॉपअप आएगा, उस पर ओके कर दें। इसके बाद कंप्लीट में यहाँ पर चेक डिटेल्स, आपने जो जो डिटेल्स भरी होंगी वो सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी, डेमोग्राफिक डिटेल्स, बेनिफिशियरी डिटेल, अकाउंट डिटेल, आपको सभी डिटेल को एक बार ध्यान से चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलत है तो वो आप प्रीवियस स्टेप में जाके चेंज कर सकते हैं। सभी डिटेल को एक बार ध्यान से चेक कर लें, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनके ऊपर क्लिक करके आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक कर लें कि सही अपलोड किए हैं या नहीं। इसके बाद आपको नीचे कन्फर्म का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ऊपर डू यू वांट टू कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट का ऑप्शन शो हो जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज नाउ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, और योर एक्नोलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर योर रजिस्ट्रेशन इज नाउ कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ इस पेज का प्रिंट निकाल के रख लें, और जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उन सभी की एक कॉपी, और जो आपने ये प्रिंट निकाला था उसकी कॉपी आपने जो हेल्थ ब्लॉक सेलेक्ट किया था वहाँ पर आपको जाके जमा करवा देनी है। आगे वो कुछ दिनों का टाइम लेंगे जमा करवाने के बाद, वो आपकी एप्लीकेशन वगैरह को चेक करेंगे, अगर सभी डिटेल बिल्कुल सही होगी तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे और अप्रूव कर देंगे। स्टेटस कैसे चेक करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ भी रिमार्क आता है तो वो आपको वापस सेंड कर देंगे। वो आप स्टेटस में जब चेक करेंगे वहाँ पर आपको शो ऑप्शन शो हो जाएगा, अगर करेक्शन के लिए बोला होगा। करेक्शन पर क्लिक करने के बाद सेम ही ऑप्शन आएंगे, इसी तरीके से जो भी करेक्शन बोली होगी रिमार्क में वो आप चेंज कर सकते हैं उसी तरीके से। यही तरीका है अप्लाई करने का, और अप्लाई करने के बाद आपको जरूर से अपने हेल्थ ब्लॉक में ये सारी डिटेल सबमिट करनी है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको दोबारा से सहारा के यूज़र पोर्टल में आ जाना है। यहाँ पर आपको
नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा और नीचे भी आप देख सकते हैं कि पेंडिंग कहाँ है आपकी एप्लीकेशन। जब सक्सेसफुली यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि अप्रूव हो चुका है। जब तक पेंडिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी रिमार्क आएगा तो वो भी आपको यहीं पर शो हो जाएगा, रिमार्क वगैरह। और यहाँ पर उस टाइम एडिट करने का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने सहारा कार्ड को, और उसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह कैसे कैसे अपलोड करना होता है, कितना टाइम पीरियड होता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं, या नज़दीकी हेल्थ ब्लॉक में जाकर भी पता कर सकते हैं।